आज की तारीख 6 दिसंबर हिंद के मुसलमानों को हमेशा याद रहेगी। चाहे तुम अपनी ताकत व नशे के बल पर किसी को भी बदल दो, इंशाल्लाह वक्त फिर किसी सलाहुद्दीन को जरूर पैदा करेगा। एक वक्त आएगा, चाहे 100 साल हो जाए या 200 साल, वहाँ की दीवारों से भी सदाएं अल्लाहु अकबर गूंजेंगी। मैं आने वाली अपनी नस्लों से कहूँगा कि वह अपने आने वाली नस्लों को बताएं, जहाँ आज मंदिर है पहले वहाँ 500 साल तक मस्जिद थी। आज की तारीख को कोई मुसलमान भला कैसे भुला सकता है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। तूने बक्से हैं जो आजार कहाँ रखूँगा, ये गिरे गुम्बदे मीनार कहाँ रखूँगा। हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लिहाजा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिस तरह हमारे दिलों में जन्नतुल बकी की शहादत बाकी है, उसी तरह बाबरी मस्जिद की शहादत भी हमारे दिलों में बाकी रहेगी। बाबरी मस्जिद की शहादत को 30 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 1992 में मस्जिद को तोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने का फैसला सुना दिया, लेकिन यह भी तस्लीम किया कि मस्जिद कभी मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई। जाने कैसी दहशत है, जाने कैसा ये डर है उदास तारीखी और चुप कैलेंडर है। मैंने खुद से जब पूछा क्यों उदास मंजर है, दिल ये चीख कर बोला आज 6 दिसंबर है। आखिर 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में वो सब हो गया जिसकी सबको आशंका थी, लेकिन कोई ऐसा होते देखना नहीं चाहता था, फिर भी ऐसा हुआ। एक अतीत, एक इतिहास जिसे उस दिन का वर्तमान इतिहास होते देख रहा था। उस घटना की कसक आज भी ताज़ा है। चारों तरफ धूल ही धूल थी, यहाँ कोई आंधी नहीं चल रही थी, लेकिन यह मंजर किसी आंधी से कम भी नहीं थी। अपार दंगाइयों के सैलाब से यही भ्रम हो रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि भीड़ हजारों में थी या लाखों में। हाँ, एक बात जो उस पूरी भीड़ में थी वह थी उनके दिलों में मुसलमानों के प्रति नफरत। इसमें रत्ती भर भी कमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ मौजूद हर दंगाई अपने आप में एक नेता था। जय श्री राम, राम लल्ला, हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो जैसे नारों के आगे आसमान की ऊंचाई भी कम पड़ती दिख रही थी। यह सारा वाक्य अयोध्या का था, वही अयोध्या जिसे राम की जन्मस्थली कहा जाता है, वही राम जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, और वही राम जिनके राज में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। 2 घंटे में ही वर्तमान इतिहास बन गया। यहाँ बात इन्हीं राम और उनकी अयोध्या की हो रही है। हाँ, इतिहास को बदलने वाली यह घटना अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को घटने जा रही थी। इसका अंदाज़ा शायद बहुतों को नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ बड़ा होने जा रहा है, ऐसा वहाँ के माहौल को देखकर समझा जा सकता था। तभी वहाँ मौजूद लोगों की बड़ी संख्या बाबरी मस्जिद के अंदर घुस गई। देखते ही देखते मस्जिद के गुंबदों पर उनका कब्जा हो गया। हाथों में बल्लम, कुदाल, छेनी, हथौड़ी लिए उन पर वार पर वार करने लगे। जिसके हाथों में जो था वही उस मस्जिद को ध्वस्त करने का औजार बन गया, और देखते ही देखते वर्तमान इतिहास हो गया। यह सब होने में करीब 2 घंटे लगे या कुछ ज़्यादा। केंद्र में नरसिंह राव सरकार, राज्य की कल्याण सिंह सरकार और सुप्रीम कोर्ट देखते रह गए। यह सब तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के खिलाफ किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर पाबंदी लगाई हुई थी। एक ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया हुआ था। दिलचस्प बात यह थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि उनके आदेशों का पूरा पालन होगा, लेकिन भरोसे का वादा खरा नहीं उतरा, क्योंकि दंगाजीवी गैंग को सरकारी संरक्षण प्राप्त था। दंगाजीवी गैंग बेकाबू हो चुकी थी। ऐसी चर्चाएं थी कि इस बाबरी मस्जिद को गिराने की बाकायदा रिहर्सल भी की गई थी। देश ने इतिहास को इतिहास होते देखा। अपने उच्च अधिकारी की चेतावनी का भी जवानों पर कोई असर नहीं हो रहा था। यही नहीं, उस अस्थायी मंदिर के आसपास तैनात जवानों ने अपने जूते उतारे हुए थे। जवानों की श्रद्धा से भरी आंखें और नंगे पांव वहां के हालात बयान कर रहे थे। इसीलिए सुरक्षा बलों ने दंगाजीवी गैंग को न सिर्फ रोका बल्कि उनका संरक्षण भी दिया। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया।
और इस तरह 6 दिसंबर को इस देश ने इतिहास को इतिहास होते देखा। लोग मुझसे कह रहे हैं बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, जाने क्यों मुझे लगता है करोड़ों दिलों में आबाद हो गई। आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल आज़ाद तारीख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।